हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियदर्शिनी। मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। कैसे हैं आप लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आज भी मैं एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है पैक के ब्रश क्लीनर का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं बता दूँ आपको, अगर आप भी मेरी तरह मेकअप के शौकीन हैं, आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है, आपके पास ब्रशेज हैं लाइक मी एंड ब्यूटी ब्लेंडर हैं लाइक मी, तो इनको साफ़ करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हो जाता है ज़रूरी साफ़ करके रखना, क्योंकि अगर हम इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमारी स्किन को इन्फेक्ट करेंगे, रैशेज होंगे, घमौरियाँ होंगी, दाने होंगे, पिम्पल होंगे, सब कुछ होगा। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हमारे पास कोई एक एवन चीज़ है, बढ़िया है, तो ऐसे तो ब्रश आप अपने घर में शैम्पू से या साबुन से किसी भी चीज़ से साफ़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि अब शैम्पू लगाया, उसको साफ़ भिगोने रखा, फिर साफ़ किया। तो जो ब्रशों की क्वालिटी होती है, ब्रशों का जो फैदर होता है ऊपर से, वो फ़र्क पड़ जाता है उनके ऊपर। तो वो चीज़ से बचने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाई हूँ जो है पैक का। मैं क्या लाई हूँ, कंपनी लाई है यार, मैं तो बताने आई हूँ आपको, पैक का फॉर ब्रश एंड स्पॉन्ज क्लीनर। और ये वाकई में जो बोलता है ये वो करता है। ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। 699 का मैंने लिया था, लगभग 700 रुपये का, लेकिन टोटल पैसा वसूल है, टोटल पैसा वसूल। बहुत अमेजिंग चीज़ है। क्वांटिटी आपको उसकी थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन ये लगता ही बहुत कम है अपने आप में, तो ज़्यादा वेस्टेज इसमें कहीं किसी चीज़ से है नहीं। ये आपको एक छोटा सा ऐसे टिकिया टाइप की मिलती है, इसमें रख लो। ये है इसका सोप, मैंने कई बार यूज़ कराया तो आप देख लो, ठीक है। इतनी पतली सी इसकी ये किट है, और ये इसका बॉक्स है, तो ये इसी में सेफ रहता है। इसको ऐसे रखो, और मैं आपको अभी अपना एक ब्रश क्लीन करके दिखा रही हूँ। बाय द वे, मैंने अपने सारे ब्रश क्लीन करके रखे हैं, और जब से मैंने ये खरीदा है ना, ब्रश मेरे फटाफट क्लीन हो जाते हैं और क्लीन ही रहते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आलस नहीं लगता उन्हें साफ़ करने में। तो मैं थोड़ा सा डेमो दिखा रही हूँ आपको कि ब्रश कैसे साफ़ होगा। ये मेरे पास ब्रश है, ये मेरे पास सोप है, ये मेरे पास इसको रगड़ने के लिए पैड दिया हुआ है एक। तो मैंने ब्रश को पानी में गीला किया, इस सोप के ऊपर ऐसे घुमाया, ठीक है, घुमाया। अब हमने क्या किया, सोप इसमें आ गया है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है, मतलब ये नहीं कि आप रगड़ते ही जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपका ब्रश कितना भी गंदा हो, आपने बस उसको एक से दो बार घुमाना है बस। फिर इस पैड के ऊपर ऐसे घुमाया, देखो कितना झाग निकलेगा, अभी देखना, इतने से में इतना झाग निकलेगा। इसका मतलब आपके ब्रश ने प्रोडक्ट उठा लिया है अच्छी खासी क्वांटिटी में। देखो कितना निकला ना। अभी मैं आपको एक गंदा सा ब्रश साफ करके दिखाऊंगी। अब ये हुआ, इसको हमने डाल दिया पानी में, अब हमने इसको धो लिया, इसको भी साफ करके रख दिया, इसको भी साफ करके रख दिया, दोबारा इसको छूने की जरूरत है ही नहीं। अब ये मेरा, अभी मैंने जस्ट अभी मेकअप किया है, तो ये मेरा फाउंडेशन ब्रश है। अब मैं इसको साफ करके दिखाती हूँ, देखो कितना गंदा है, ठीक है। इसको भी मैंने ऐसा भिगोया, पानी इसमें से झाड़ लिया, इस सोप के ऊपर 1 2 3 4 बस इतना ही घुमाना है। ज़्यादा घुमाओगे आपका प्रोडक्ट बर्बाद होगा। इस पैड के ऊपर रगड़ दिया बढ़िया से। इस ब्रश की स्टिकी निकल जा रही है बार बार, तो इसको बढ़िया से ऐसे रगड़ रहे हैं हम। पानी गिर रहा है मेरे ऊपर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना साफ हो गया। अभी मैं धो के नहीं लाई हूँ उसे, सिर्फ रगड़ा है मैंने इसके ऊपर, पैड के ऊपर। अभी मैं इसे धो के ला के साफ करके दिखा रही हूँ, तब देखना कितना ज़्यादा एकदम चमत्कार है। ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, सी द बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, कितने ज़्यादा ये ब्रश मेरे चमक गए हैं, साफ हो गए हैं। और मैंने इसको कपड़े से पोंछ दिया है, अभी भी ये गीले हैं, इन्हें सूखने रखना पड़ेगा, पर आप देखो कितने ज़्यादा साफ हो गए हैं, कितने ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। मैं सच बता रही हूँ, ये प्रोडक्ट एकदम अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग। अगर आप मेकअप लवर हैं मेरी तरह और थोड़ी सी भी हाइजीन पसंद करते हैं, तो ये आपके पास होना ही चाहिए।
पैसा वेस्ट नहीं कहूँगी मैं, पैसा वसूल है। अब हर कोई 700 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर भाई वो सस्ते वाले इंतज़ाम पे ही जाए अपने। लेकिन मुझे लगा कि अब बार बार तो हम कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं, एक ही बार लेते हैं ना, तो एक बार पैसे डालो और बढ़िया से अपना चीज़ें इस्तेमाल करो, कोई बुराई नहीं है। और मुझे बहुत पसंद आया, मेरी तरफ से इसको 10 out of 10 मार्क्स देती हूँ मैं। और आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मैं अगर अच्छी लगी हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना प्लीज़, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।